आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शुक्रवार को चाड़कपुरी कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। कॉलोनी निवासी राजेश गुप्ता की माता की कोरोना जांच पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजेश के परिवारजनों के कोविड-19 के टेस्ट लेने के बाद पीपी किट को ही कॉलोनी की सड़क पर जला दिया। इससे कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। एक हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनके यहाँ टेस्टिंग करने के लिए टीम आई हुई थी। इन लोगों की टेस्टिंग करने के बाद वो लोग अपनी किट वगैरह हमारे घरों के सामने ही जो इनकी टेस्टिंग वाली जो किट होती है, जो कपड़े वपड़े पीपीई किट कहलाती है, वो हमारे घरों के सामने ही रख दी। हमने उनसे कहा कि ये किट आप है ना इस तरह से यहाँ फेंक के नहीं जाइए। मना करने के बावजूद भी हमारे सामने उस पर है ना तेल बिल डालकर उस पीपीई किट को जला दिया और उसका धुआं पूरी कॉलोनी में फैल गया। राजेश जी हैं, उनकी माता जी एक्सपायर होने की वजह से जो उनके घर पर टेस्टिंग हो रही थी उसकी किट दूसरे लोगों के घर के सामने जलाई गई है। तो इस जलाने के कारण कॉलोनी में भयव्याप्त हुआ है और ऐसा माहौल ना बने कि कॉलोनी वाले इस परेशानी से और घिर जाएं। अभी हमारे सामने एक इनके रिलेटिव की डेथ हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव थे, तो उनकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मेडिकल की टीम आई थी और उन्होंने टेस्टिंग करने के बाद जो किट होती है पीपीई किट वो बिल्कुल यहीं रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल पास में ही जला दी, जो खतरनाक भी हो सकता है। विरोध हम लोगों ने किया, उनको रोक के हमने समझाया, रिक्वेस्ट करी कि सर इसे लेके जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं सर हमारे पास लेके जाने का साधन नहीं है। और उसके बाद चूंकि वो कोरोना फाइटर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो मानवीय आधार पे हमने कहा कि भाई इसका देखिए कुछ नहीं हो सके, कुछ करिए, ये रिक्वेस्ट करी, कोई दिक्कत ना हो। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो भी एक्शन रिक्वायर्ड हो वो लें।